हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर कल के रिकैप के साथ। पहला पर्सन, खबरों में रही साल्वेटर मुंडी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए विलियम डे कुनिंग, ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन डी यूजिन हेनरी। सही आंसर ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची। साल्वेटर मुंडी का संबंध इटली से है और इटली की कैपिटल रोम है, इटली की करेंसी लीरा है और इटली को पोप का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आज ही के दिन मेघालय मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था, यह दर्जा किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी 1972। सुर्खियों में रहा हाथ से बुना हुआ कपड़ा रिसा किस राज्य की जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी त्रिपुरा। हाल ही में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इपको को कौन सी रैंक मिली है? सही आंसर ऑप्शन ए पहली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किसके बीच सतत जियो हजार्ड प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी DRDO। अगला प्रश्न, बीते दिनों किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की थी? सही आंसर ऑप्शन सी भारत। हाल ही में NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी, ये परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी चेनाब। चेनाब नदी ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश दिवस यूपी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी 24 जनवरी। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ मिलने के प्रमाण मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी लखीसराय। अब आज का कल का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेना अभ्यास कवच में भाग लेगी? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का संचालन अगले सप्ताह किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय तटरक्षक हिस्सा लेंगे। अंडमान एवं निकोबार कमान के तत्वाधान में इस अभ्यास का संचालन किया जाएगा। यह देश का एकमात्र संयुक्त बल कमान है। यह संयुक्त बल अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को कार्यान्वित करेगा। इस अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी ITBP, ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए BSF। हाल ही में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। इसका लक्ष्य जैसलमेर में सीमा सुरक्षा को बढ़ाना। ये ऑपरेशन 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर
गणतंत्र दिवस से पहले इसे शुरू किया गया है। इसके तहत सीमा पर स्पेशल चेक पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि BSF नियमित तौर पर गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा एवं ठंडे मौसम में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न दो, खबरों में रहा एबल 370 क्या है? एक वायरस है, दवा है, उपग्रह है या गैलेक्सी का समूह है? इसका सही आंसर है गैलेक्सी का समूह। हाल ही में नासा ने आकाश गंगाओं के समूह की एक फोटो साझा की है। इसे गैलेक्सी के समूह का नाम एबल 370 है। ये समूह पृथ्वी से लगभग 4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ये फोटो ली गई थी। इस गैलेक्सी के समूह के कोर में लगभग 100 गैलेक्सी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न तीन, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रविश कुमार, विजय गोखले, जयंत एन खोबरगड़े, हर्षवर्धन श्रृंगला। सही आंसर ऑप्शन सी, जयंत एन खोबरगड़े। आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत जयंत एन खोबरगड़े को नियुक्त किया गया है। जयंत एन खोबरगड़े 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न तीन, हाल ही में मैस्काडर 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व व्यापार संगठन, फिक्की, भारतीय उद्योग परिसंघ और विश्व आर्थिक मंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मीन्स हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर ने की थी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मास्केडर 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया था। इसका मकसद विशेष रूप से कोविड युग के बाद जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए नई और व्यवहारिक रणनीतियों पर स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना था। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न पाँच, बीते दिनों भारतीय सेना ने स्वदेशीकरण एवं नवचार साझेदारी पर किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए SIDM, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी नासा। सही आंसर ऑप्शन ए SIDM। हाल ही में स्वदेशीकरण और नवचार साझेदारी पर भारतीय सेना और SIDM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न छः, निम्नलिखित में से किसे कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन। सही आंसर ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की है। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 16वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में 2021 के प्रमुख वैश्विक खतरों को चिन्हित किया गया है। प्रश्न आठ, बीते दिनों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAR का सफल परीक्षण किया गया।
यह किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी इनस्पेस। सही आंसर ऑप्शन बी डीआरडीओ। हाल ही में किसने पेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले को $100 मिलियन इनाम देने की घोषणा की है? मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, एलन मस्क और दिलीप सिंघवी। सही आंसर ऑप्शन सी एलन मस्क। बीते दिनों किस राज्य में पोटास के धोन के लिए MECL, RSMML और DMG के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में पोटास के धोन के लिए त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर लॉन्ग ऑफ प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जापान एवं यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी अमेरिका एवं जापान, ऑप्शन डी जापान एवं भारत। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।